अगर आप भी शौकीन है देखने को शेर बाघ चीता और भालू या फिर करना चाहते हैं ग्लास ब्रिज की सवारी तो आ जाइए हमारे साथ। वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल मिश्रा जी ट्रैवल ब्लॉग्स। तो गाइज स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज आज हम पहुंचे हुए हैं अपने बिहार के बहुत ही खास जगह राजगीर में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं लिखा हुआ राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी। तो गाइज आज हम लोग जाने वाले हैं इस वाइल्ड लाइफ सफारी को एक्सप्लोर करने। ऐसे तो अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जू सफारी है, नेचर सफारी है और ग्लास ब्रिज भी है, बट आज हम लोग केवल इस वीडियो में जू सफारी को एक्सप्लोर करेंगे। बाकी तो चलते हैं हम सीधा अंदर। हम लोग ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी और हमारा पहला शिफ्ट में है 8 से 9 वाले शिफ्ट में, तो हमें सबसे पहले एंट्री मिलेगी, इसलिए फटाफट हम लोग चलते हैं गेट पे। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं जू सफारी कैंपस एरिया के अंदर और आप मेरे पीछे वहाँ देख सकते हैं वहाँ पर कुछ भीड़ इकट्ठा है। ये लोग यहाँ पर टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हैं और बाकी मैंने यहाँ 8 से 9 वाले स्लॉट की पहले से बुकिंग कर रखी है, तो हमें उस साइड वहाँ पर जाके लाइन में लगना है। फिलहाल यहाँ पर वो लोग खड़े हैं जो ऑनलाइन टिकट बुक करा चुके हैं और यहाँ से डायरेक्ट अपनी बस को पकड़ने के लिए वेट कर रहे हैं। दोस्तों वहाँ पीछे गेट पर टिकट चेकिंग कराने के बाद हमें एंट्री मिल चुकी है इस जू सफारी में और यहाँ का एनवायरमेंट काफ़ी काफ़ी प्यारा है, काफ़ी सुंदर है। और बाकी उधर आप देख सकते हैं ये कुछ यहाँ का बाहर का भी एरिया है। हम लोग आ चुके हैं अभी अंदर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जानवरों की जो मूर्तियाँ बनाई गई है बहुत ही शानदार है, इसके सिनेमैटिक शॉट्स मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों अभी आपने जो देखा वहाँ पे जानवरों की जो मूर्तियाँ बनाई गई थी, जो भी जानवर इसमें अंदर हमें देखने को मिलेंगे इस जू सफारी में, बहुत ही सुंदर था। और बाकी ये जो कैंपस बनाया गया है बस एरिया का जहाँ से हमें बस मिलेगी, ये भी काफ़ी सुंदर बनाया गया है। मतलब हम लोग बिहार में घूम रहे हैं और बिहार में ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं, विश्वास नहीं होगा आपको। आप देख सकते हैं ये बिहार का इनोवेटिव ये डिज़ाइन है इस बिल्डिंग का और ये बस स्टैंड है और बहुत ही सुंदर है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा है यहाँ पे कुछ काउंटर्स बनाए गए हैं टिकट के और बाकी यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह बनाई गई है, बाकी वहाँ पर लोग लाइन में लगे हैं। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी शिफ्ट यहाँ पर 8 से 9 बजे की थी, तो हमें लगा कि हमें 8 से 9 बजे एक घंटे ही घुमाया जाएगा, बट अभी हमें यहाँ आकर पता चला कि 8 से 9 हमारी एंट्री की टाइमिंग होती है और बाकी उसके अलावा हमें अंदर घूमने में जितना भी टाइम लगेगा वो यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे। मीन्स अगर आप जिस भी स्लॉट में आते हैं उस स्लॉट के टाइम से पहले यहाँ पहुँच जाए और उस बीच आपको यहाँ एंट्री करा दी जाएगी। यहाँ से हमारी एंट्री मिल चुकी है और हमें बोला गया हमें आगे से लेफ्ट की तरफ जाना है और ये कुछ रास्ता इस तरह से, ये कैंपस और ये रास्ता, और हमें यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाना है अपनी बस के लिए। दोस्तों इन्फॉर्मेशन दे दे के वीडियो काफ़ी बोरिंग हो गई है, कुछ नए अंदाज में इस वीडियो को ट्राई करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का राजगीर के जू सफारी में और आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर पता है क्या, जानवर देखने। रोड पर तो कुत्ते बिल्ली देखने को बहुत मिलते होंगे बट यहाँ पर बिल्लियों के बादशाह द किंग ऑफ बिल्ली, जिसे हम लोग शेर बाघ और चीते के नाम से जानते हैं, वो आज अंदर हम लोग देखेंगे। और हमारे साथ हमारे पंकज भाई भी हैं जो इतने खुश हैं कि बंदर की तरह उछलते हुए आए हैं ट्रेन में कि आज जानवर देखेंगे, जानवर देखेंगे। अब हमारी बस पता नहीं कब आएगी। हम लोग
आ चुके हैं सफारी प्लाजा एंट्रेंस में और आप देख सकते हैं कुछ एंट्रेंस है इस तरह का और जो सफारी पिकअप पॉइंट है यहीं पर हमारी बस आएगी और यहीं से हम लोग बस पकड़ के अंदर की तरफ जाएंगे। एक बार फिर से हमारा टिकट यहाँ पर चेक हुआ और हमें कहा गया कि हमें इसमें जाकर बैठना होगा और अंदर का माहौल भी एक बार हम लोग जाके देखते हैं। ओ गाइस ये तो फुल्ली ऐसी है एकदम झकास और पीछे वहाँ बस भी लगी हुई बाहर दिखाई दे रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं गाड़ियाँ यहाँ पर लाइन से लग चुकी है और हम लोग फिलहाल वेटिंग एरिया में आए हुए हैं और यहाँ से एक एक करके हम लोगों को इन्हीं गाड़ियों में बैठाया जाएगा और घुमाया जाएगा ये पूरा का पूरा सफारी। यहाँ टीवी पर तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है बट हम यहाँ पैसे खर्च करके टीवी देखने नहीं आए हैं, हम आपको आज असली में दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ बस में बैठ के और पूरी सफारी को घूमेंगे और यहाँ फिर से हम लाइन में लगे हैं और सामने हमारी बस भी आ चुकी है। अब उस बस में बैठ के बस हमें सफारी का आनंद लेना है। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने बस में और वहाँ आप देख सकते हैं अभी भी लाइन लगी हुई है, लोग लगे हुए हैं और हमारी बस स्टार्ट भी है। और बस में सबसे अच्छी खास बात क्या है, आप देख सकते हैं एसी का सुविधा, मतलब फुल्ली एसी बस है और हमारी बस भी अब चल चुकी है, हमारे गाइड भी आ चुके हैं। लाइट ऑफ रखिएगा। गाइड ने अभी हमें बताया कि ये सफारी हमारे लक पर डिपेंड करती है, अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो हमें जानवर देखने को मिल सकते हैं और लक अच्छा नहीं हुआ तो जानवर देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो जू सफारी है दोस्तों काफ़ी घना जंगल है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे थे अभी सिनेमैटिक शॉट्स में और आप देख सकते हैं काफ़ी, मतलब यहाँ पर खुले में घूमना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए हमें इस तरह से गाड़ियों में शीशे वाली गाड़ियों में बैठ करके घुमाया जाता है ताकि हम जानवरों को भी देख पाएँ और हमें किसी प्रकार का खतरा भी ना हो। बाकी हमारी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर हर इंतजाम किए गए हैं, गाड़ियों में भी हमारे कैमरे लगे हुए हैं और बाहर भी कैमरे लगे हुए हैं। दोस्तों हम ये पहला गेट क्रॉस कर रहे हैं जो लायन सफारी का गेट है और इसके अंदर हमें लायन देखने को मिलेगा और बस पहला गेट हम लोग एंटर कर चुके हैं, ये हमारा दूसरा गेट है और दूसरे गेट से हम लोग अंदर जा चुके हैं। अब बस लक पे भरोसा करना है कि आज हमें यहाँ पर लायन देखने को मिलता है कि नहीं। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ का फीडिंग जोन है जहाँ पर लायन को खाना दिया जाता है। यहाँ पर बस रोका गया है और गेट शायद खुलेगा और यहाँ से लायन बाहर आ सकते हैं। लायन देखने को मिल गया है और ये काफी नजदीक से हमारे सामने पड़ा, एक और लायन पीछे से आ रहा है, पीछे से एक और लायन आ रहा है, गजब। तो गाइस मेल और फीमेल दोनों एक साथ बाहर। बहुत कामयाब रहा और हमें शेर काफी नजदीक से देखने को मिला है। अब दूसरा लक आजमाने के लिए हम लोग अब दूसरे जोन में जा रहे हैं और वहां भी अपना लक आजमाते हैं कि वहां हमें देखने को मिलता है कि नहीं। इस रूम में गाइस यहां पर गार्ड बैठे हुए हैं जो कि पल पल की सूचना वायरलेस के माध्यम से देते रहते हैं और यहाँ पर एक गेट हमारे आगे है और दूसरा गेट हमारे पीछे इस साइड में है और इन दोनों गेटों को 30 सेकंड के अंतराल पे खोला जाता है ताकि कोई जानवर हमारे पीछे बाहर ना सके, ऐसा हमें यहाँ के गाइड के द्वारा बताया गया। ये टाइगर का फीडिंग जोन है और इसको रिलीज किया जा रहा है और बस ये हमें देखने को मिलेगा। एक्चुअली गाइस एक बोनस पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जू सफारी घूमने आ रहे हैं तो कोशिश करें आप फर्स्ट शिफ्ट में हो और बाई लक हम फर्स्ट शिफ्ट के सबसे पहले बस में बैठे हुए हैं, इसीलिए हमारे आने के बाद सारे जानवरों को यहाँ रिलीज किया जा रहा है उनके फीडिंग रूम से। गाइस मुझे दूसरा जानवर देखने को मिल गया है, ये काफी ब्यूटीफुल कलर में है, एकदम सुनहरे रंग की है। और अब ये है दोस्तों लियोपार्ड सफारी और ये तीसरा जोन है और हम लोग लियोपार्ड देखने के लिए अभी जा रहे हैं। गाइस ये रहा हमारा लियोपार्ड चीता, आप देख सकते हैं ये भी काफी शानदार है, ये सब जानवर देखने को मिल रहे हैं और हमारे पैसे पूरी तरह से वसूल हो जा रहे हैं। बाकी दिस इज लियोपार्ड, यू कैन सी क्लियरली राजा। तो गाइज ये जो लियोपार्ड है इसका नाम राजा है और काफी अच्छा है,
हमारे गाइड ने भी बताया कि ये राजा है। तीसरी बार भी हमारा लग बहुत अच्छा था और हमें ये लियोपार्ड भी बहुत ही क्लियरली देखने को मिला। और यहाँ पे हमने एक नहीं दो दो लियोपार्ड एक साथ देखे, एक का नाम रहा राजा और दूसरी थी रानी। जब भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में उनका नाम राजा और रानी है। ये गाइड साहब ने हमें बताया जो गाड़ी में हमारे आगे बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ भी फीडिंग रूम के बाहर हमें बियर देखने को मिल गया है। ये सुंदरी है जो कि गेट खोलने का प्रयास कर रही है अंदर जाने के लिए। और गाइस ये देखिए गाइस यहाँ पर ये है सुंदरी, भले ही दिखने में होती सुंदरी बट नाम है इसका सुंदरी। सावन में बाल नहीं कटवा रही है सुंदरी। बाय बाय, फिर मिलेंगे। चौथी बार हमारा लग बहुत अच्छा था और हमें बियर सफारी में भालू भी काफी क्लियरली देखने को मिला। और इन महाशय का नाम था सुंदरी। क्या भैया सुंदरी थी वो? सुंदरी लेकिन झबरी नजर नहीं आया। हाँ झबरी भी थी बट वो नजर नहीं। अच्छा भैया ये आपको भालू लग रहा था कि सुअर लग रहा था? आपको तो सुअर ही नजर आ रहा था, रियल दोनों का मिक्सचर ही लग रहा था एकदम। सही बात। अब देखते हैं पांचवा और लास्ट जोन बचा है, वहाँ हम लोग चलने वाले हैं। बाकी मजा आया ना भैया? बहुत मजा आया। सुअर सावन बाद फिर आया जाएगा। अरे अपना इलाका अपना बिहार है, बिहार में घूमेंगे तो और क्या घूमेंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं डियर सफारी में और ऐसा हमें कहा गया है कि ध्यान देना होगा। ये मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया हिरण। हिरण मुझे मिल गया। पीछे कीजिए, पीछे कीजिए सर। अजा बाबू आवा आवा ले ले। दोस्तों ये जू सफारी का जो सफर था हमारा खत्म होता है। पांचों जोन हम लोग घूम चुके हैं और अब हम लोग वापस आ चुके हैं उसी जगह पर जहां से हमने बस में बैठ के इस जर्नी को शुरू किया था। और हम लोग बस से उतरेंगे, बाकी आपको यहां का और भी व्यू दिखाएंगे क्योंकि अभी ये जो जू सफारी बना है इसके बाहर का कैंपस भी काफी सुंदर है। तो अभी चल के हम लोग उस कैंपस को देखेंगे, वो कितना सुंदर बनाया गया है, क्या क्या चीजें लगाई गई है। और फिलहाल बस यहीं से हमने बैठा था बस में और अब यहीं से हमें उतर के वापस जाना है। तो फिलहाल हम लोग उतर चुके हैं बस से और वापस उसी जगह पर आ चुके हैं जहां से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। यहां घूमकर बहुत मजा आया, आई होप आपको भी यहां घूमने में बहुत मजा आया होगा। अभी हम लोग चलते हैं फिलहाल इस कैंपस से बाहर और आपको यहां के ब्यूटीफुल सीन्स को भी दिखाते हैं। बाहर आते ही हमें ये हरियाली देखने को मिली। मैं इसी कैंपस की बात कर रहा था, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सुंदर नज़ारे और सामने भी ये व्यू आप देख सकते हैं कितना प्यारा है ये। जैसे ही हम लोग वापस आते हैं यहाँ पर तो हमें सामने यहाँ पे थिएटर देखने को मिलता है। ये थिएटर का एंट्री पॉइंट है बट बाकी गाइज हम लोग इसी 3D थिएटर में जाने वाले हैं अभी। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं 3D थिएटर के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग पीछे बैठे हैं ताकि पूरा विजन क्लियर हमें आगे मिल सके। और बाकी यहाँ पर इस तरह से बैठने की व्यवस्था है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर 3D में यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई जाएगी। बाकी हम मिलते हैं आपसे ये सीन देखने के बाद और कुछ सीन्स आपको भी मैं बीच में दिखा दूंगा। तो गाइस चलिए अब थिएटर को एंजॉय करते हैं। ये महासागर मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50-80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियां, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमोनी और हाँ ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। कितने मजे ले रहा है, देखा इसे? अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टील ले रहा हो। और वो चली मैडम व्हेल इटलाते हुए सनबाथ लेने। और ये जोकर मछली यानी क्लाउड फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई बिना किसी सुरताल के।
तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में।